हाय फूडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज़ इंक्लाइन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नई तरह की सैंडविच की रेसिपी। आपने पोटैटो स्टफिंग, चीज़ वाले सैंडविच और भी बहुत सारी स्टफिंग के सैंडविच खाए होंगे, लेकिन आज हम सेवैया के सैंडविच बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लिया है एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी। घी को हम गर्म होने देंगे और घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच। मैंने यहाँ मूँगफली ली है इस तरह से दरदरी की हुई, इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे आधा कप सेवैयाँ और इसको अब हमें लगभग 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे। धीमी आंच पर ही हमें इन्हें भूनना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए सेवैयों को हमें भून लेना है अच्छे से। और सेवैयाँ हमारी भून चुकी हैं तो बस अभी हम इनको निकालते हैं एक प्लेट में और आगे का प्रोसेस अब हम इसके बाद करेंगे। और इनको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अब जो बचा हुआ घी है उसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। ज़ीरे के चटकने के बाद में डाली है मैंने एक हरी मिर्च, इसको भी आधा एक मिनट भून लेंगे। उसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। और बस अभी इन सभी मसालों को हम मिक्स कर देंगे और फटाफट से अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। और पानी डालकर हमें पानी में एक उबाल आने तक वेट करना है। पानी में अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी सेवैयाँ। और सेवैयों को डालने के बाद में अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि सेवैयाँ हमारी पक नहीं जाती और ये पूरा पानी अच्छे से सोख नहीं लेती, तब तक कि हमें इसको पकाना है। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं या फिर इसे खुले रख के भी पका सकते हैं। तो सेवैयाँ देखिए थोड़ी देर के बाद ही अच्छे से पक चुकी हैं, पानी अच्छे से सोख कर लिया है इन्होंने। और हमारी जो सेवैयों की स्टफिंग है सैंडविच में बनने के लिए वो रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ मैंने ली है ब्रेड, 4 ब्रेड ली है मैंने और इनको इस तरह से किनारों से मैंने कट कर लिया है। और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी सेवैया की स्टफिंग और इसी के साथ में इस पर रखेंगे कुछ वेजिटेबल। मैंने यहाँ खीरा और टमाटर का यूज़ किया है, आप अपनी मनचाही सब्जी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर से डाला मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और बस इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा सेवैया का सैंडविच तैयार हो चुका है। आपने आलू प्याज चीज़ की स्टफिंग वाले सैंडविच तो बहुत खाए होंगे, एक बार इस तरह से ये सैंडविच ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर से पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।